नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण ठाकुर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से, और आज मैं आपके पाठ्यक्रम कोड 507 की प्रथम इकाई से समाज के अंग के रूप में विद्यालय विषय पर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यालय जो स्कूल जो होता है वह एक समाज का एक प्रमुख अंग होता है शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कई विद्वानों ने, कई विचारकों ने यह कहा है और हम सभी सहमत भी होंगे कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है, समाज का प्रतिबिंब होता है। जैसा समाज वैसा विद्यालय। विद्यालय के माध्यम से जब शिक्षा की प्रक्रिया संचालित होती है तो उसमें समाज की जो भावनाएं होती है, समाज के जो उद्देश्य निर्धारित होते हैं, समाज के जो सदस्य होते हैं, उन्होंने मिल करके जीवन जीने के लिए, जीवन में अलग अलग विधाओं में आगे बढ़ने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए होते हैं, उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, पाठ्य पुस्तकें बनती हैं और फिर उनके माध्यम से विद्यालय में शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जाती है। और साथ में एक बात यह भी है कि यह जो विद्यालय है, विद्यालय नाम की संस्था है, इस विद्यालय में जो लोग होते हैं वे लोग कौन होते हैं? छात्र, शिक्षक, अन्य कर्मीगण, ये सभी समाज से ही तो होते हैं। और समाज में जिस प्रकार के लोग होते हैं, जिस प्रकार की सोच होती है, बालकों का जो बैकग्राउंड होता है, उनकी जो शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, शिक्षकों की जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि होती है, उन सभी का प्रकटीकरण, रिफ्लेक्शन विद्यालय के परिवेश में होता है। तो जब विद्यालय में जितने भी प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं लोग, वो हमारे समाज से ही होते हैं। इसीलिए समाज के लघु रूप में विद्यालय को किस को संज्ञा दी जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, विद्यालय जो एक सामाजिक संस्था है शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वह संस्था जब समाज में स्थापित होती है तो समाज के जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, समाज के जितने भी सदस्य होते हैं, लोग होते हैं, वो हमारे जीवन जीने के कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया संचालित की जाती है। अब उस विद्यालय नामक संस्था में जो उसके सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वे कौन होते हैं? विद्यालय में छात्र होते हैं, विद्यालय में शिक्षक होते हैं, विद्यालय में अन्य कर्मीगण होते हैं, और वे सभी उसी समाज से ही आते हैं। उन सब की जो पृष्ठभूमि होती है, उन पृष्ठभूमियों का असर विद्यालय के वातावरण पर पड़ता है। साथ में जिस शैक्षिक पृष्ठभूमि से शिक्षक आए होते हैं, जिस शैक्षिक पृष्ठभूमि से छात्र आए होते हैं, उन सब की आकांक्षाएं, उन सब की महत्वाकांक्षाएं, उन सब के जीवन के उद्देश्य, वो सब भी कई मामलों में एक रूप होते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समाज के विभिन्न अंग शिक्षक, छात्र एवं अन्य कर्मियों के रूप में एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा समाज होता है, समाज की जो प्रकृति होती है, जो स्वरूप होता है, जो विशिष्टताएं होती हैं, उसी के अनुसार विद्यालय भी कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि अगर कहीं कोई ग्रामीण समाज है तो वहाँ जो छात्र हैं, वहाँ जो शिक्षक हैं, वहाँ जो विद्यालयी परिवेश है, वह एक समान होता है। वही अगर किसी मेट्रोपॉलिटन शहर में, देश की राजधानी में आप चले जाएं, या किसी राज्य की राजधानी में चले जाएं, या विदेशों में जाकर के किसी अन्य समाज के विद्यालयों को देखेंगे, तो उन विद्यालयों में एक अंतर पाया जाता है। और ये अंतर दरअसल
विद्यालय मात्र का अंतर नहीं होता, वह उस समाज का प्रतिबिंबन इन विद्यालयों के माध्यम से होता है, और इसीलिए विद्यालयों को समाज का एक लघु रूप कहा जाता है, समाज का प्रतिबिंब कहा जाता है, इमेज कहा जाता है। और जब हम विद्यालय को समाज के लघु रूप के रूप में मानते हैं तो यह समझने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए कि विद्यालय के विकास पर और विद्यालय के माध्यम से जो शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है उस पर समाज का अति महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। छात्र, अभिभावक एवं शिक्षक उसी समाज के प्रतिनिधि होते हैं जिस समाज में वह विद्यालय स्थित होता है। उसी समाज की सांस्कृतिक विशिष्टताओं का, समाज के आचार विचार का, सांस्कृतिक स्वरूप का विद्यालय की प्रकृति पर, विद्यालय के परिवेश पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है, पर प्रत्यक्ष प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। जिस समाज की जैसी आकांक्षा होती है, समाज शिक्षा के उद्देश्य भी वैसे निर्धारित करता है, वैसे ही पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, पाठ्य पुस्तकें भी उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर लिखी जाती है जिनके माध्यम से कि शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित की जाती है। तो यह हम देखते हैं कि विद्यालय कोई एक अलग से आइसोलेशन में स्थित कोई संस्था नहीं है, यह तो समाज का एक अभिन्न अंग है जो कि समाज के ही उद्देश्यों की पूर्ति में सतत प्रयत्नशील रहता है। हम ने विद्यालय के कार्यों के बारे में थोड़ी सी चर्चा की कि विद्यालय के माध्यम से औपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन होता है, तो हम यह देखने की चेष्टा करें कि अगर उस औपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन विद्यालय के माध्यम से होता है और विद्यालय समाज के लघु रूप हैं, समाज के अभिन्न अंग हैं, तो निश्चित रूप से उस समाज की सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताएं जो होती है, जो विशिष्टताएं होती है, उसका प्रभाव विद्यालय के माध्यम से जो शिक्षा की प्रक्रिया चल रही होती है उस पर पड़ता है। किसी भी समाज की शिक्षा का उसके सांस्कृतिक व सामाजिक कारकों से सीधा सीधा संबंध होता है। समाज की, किसी भी समाज की, चाहे वह इस देश का, इस देश के किसी राज्य विशेष का समाज हो, किसी अन्य स्थान का समाज हो, उसकी अपनी एक संस्कृति होती है, उसकी परंपरा होती है, उसके कुछ मूल्य होते हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, कुछ नैतिक मानदंड होते हैं जिसके आधार पर वह समाज व्यवहारों के लिए एक कसौटी बनाता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि के रूप में कुछ नैतिक मानदंडों की स्थापना करता है समाज। तो इन सब के, समाज की संस्कृति, परंपरा, मूल्य, नैतिक मानदंडों के हस्तांतरण में विद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप देखेंगे अपने ही देश में, आप पाएंगे विभिन्न प्रकार के विद्यालय चलते हैं, कहीं पर कुछ मदरसा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, कहीं पर कुछ अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय होते हैं, कहीं संस्कृत के संस्थान हैं, संस्कृत के विद्यालय हैं, गुरुकुल प्रणाली का एक आधुनिक रूप अभी भी किसी न किसी तरह से अपनी प्रक्रिया को संचालित कर रहा होता है। वहीं कहीं बालिका विद्यालय हैं, कहीं जिसे हम आजकल अगर हम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल रूप में कहते हैं तो लिंगभेद आधारित व्यवस्था। इवन सरकारी विद्यालयों में भी आप पाएंगे कि कई प्रकार के स्तरीकरण हैं विद्यालयों में। नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय हैं, म्यूनिसिपैलिटी द्वारा संचालित विद्यालय हैं, एडेड स्कूल्स हैं। वहीं आप पाएंगे कई ऐसे उच्च स्तरीय शहर में जहाँ पर की आबादी बहुत अधिक अभिजात्य है, धनाढ़ लोगों की आबादी है, तो वर्ल्ड स्कूल जैसे स्कूल्स पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड स्कूल, बसों में भी एयर कंडीशनिंग है, उनके भोजन आदि भी अलग अलग प्रकार के, कई हमने सुना विद्यालय कई उच्च स्तरीय होटल्स से आते हैं।
तो इन सब के माध्यम से मानव स्वयं अलग अलग स्तर पर स्तरीकरण करते रहता है, जितनी भी संस्थाएं मानव संचालित करता है, विद्यालय हो या अन्य हो। तो उन सभी प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से मनुष्य ने अपने एक समाज के लिए जो कुछ मानदंड स्थापित किए हैं, जो परंपराएं स्थापित की है, उन सब का हस्तांतरण विद्यालयों के माध्यम से होता है। पियरे बोर्ड्यू नाम के एक विचारक हुए जिनका यह मानना था कि शिक्षा समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग की संस्कृति को आगे बढ़ाती है, और हम अगर इस पर चिंतन करें तो हम पाते हैं कि वे गलत भी नहीं थे। कई मामलों में हम पाते हैं कि समाज पर, शिक्षा संस्थानों पर, पाठ्यक्रम निर्माताओं पर, नीति नियंताओं पर जिस विचारधारा का असर होता है, समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग का जो प्रभाव होता है, वह हमारे नीति निर्धारण को भी प्रभावित करता है। प्रभुत्वशाली वर्ग की जो संस्कृति होती है, उनके सोचने विचारने का जो तौर तरीका होता है, जिन बातों को वे महत्वपूर्ण मानते हैं, जिन भावनाओं के आगे बढ़ाने को वो महत्वपूर्ण मानते हैं, उनको वो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। क्योंकि जो नई पीढ़ी होती है, जो समाज की भावी पीढ़ी होती है, जो नई पीढ़ी समाज में भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जाने वाली है, उस पीढ़ी के मनोमस्तिष्क में उस विशेष विचारधारा को अगर प्रारंभ में ही, जो उनके जीवन का निर्माण काल है, अगर उसमें ही स्थापित कर दिया जाए, तो वे भी आगे जाकर समाज में उन्हीं विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करेंगे, उन्हीं विचारधाराओं को आगे बढ़ाएंगे। तो हम देखते हैं कि समाज में जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, जिनकी सरकारें होती हैं, उन सरकारों में जो राजनीतिक विचारधारा जिसका वर्चस्व होता है, उस विचारधारा का ही कहीं ना कहीं हस्तांतरण विभिन्न रूपों में शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। एक और विचारक ब्राज़ील के हुए पाउलो फ्रेरे, जिन्होंने कि अपनी कुछ पुस्तकों के माध्यम से पूरे विश्व में सोचने विचारने की दिशा को, शिक्षा की प्रक्रिया की दिशा को एक नया आयाम दिया, उनका मानना था कि समाज में दो किस्म के लोग सदैव रहते हैं। एक तो उत्पीड़ित, ऑप्रेस्ड वर्ग होता है समाज का, जिसका दमन किया जाता है, और दूसरा होता है उत्पीड़क, जो ऑप्रेसर्स होते हैं, जो समाज में उत्पीड़ितों का उत्पीड़न सदैव करते रहते हैं। माइट इज राइट, जिसके हाथ में ताकत होती है, वही तो दूसरों को प्रभावित करता है, वही दूसरों का दमन कर सकता है। तो पाउलो फ्रेरे का मानना था कि किसी भी समाज में शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है, जो शिक्षण की विधियां होती हैं, वह शिक्षण की भाषा होती है, वो ये तीनों तत्व, शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षण की विधियां, वह भाषा, वो उत्पीड़ित एवं उत्पीड़कों के बीच अंतर उत्पन्न करती है, उस अंतर को एक खाई उत्पन्न करती है, और उस खाई को निरंतर शिक्षा की यह प्रक्रिया बढ़ाती रहती है, पाटने का काम नहीं करती। यह पाउलो फ्रेरे साहब का एक विचार था। शिक्षा का आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है शिक्षा पर, समाज का, समाज की जो आर्थिक स्थिति होती है, समाज की जो आर्थिक दशा या दिशा होती है, उसका भी शिक्षा की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। भारतीय संविधान में वर्णित लोकतांत्रिक मूल्यों में अवसरों की समानता एक प्रमुख मूल्य के रूप में अंकित किया गया है। हम पाते हैं इतने सारे सांविधिक संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, देश को आजाद हुए भी कितने वर्ष हो गए, फिर भी हम पाते हैं कि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अवसरों की समानता वास्तव में एक कठिन लक्ष्य हमारे समक्ष है। अर्थात संविधान ने तो यह प्रावधान किया है कि इसके सभी नागरिकों को एक समान अवसर मिले, शिक्षा में, नौकरी में, जीविकोपार्जन के साधन तलाशने में, लेकिन अभी भी हम पाते हैं कि विषमता बरकरार है।
विषय विशेष, ज्ञानानुशासन विशेष यानी डिसिप्लिन, सब्जेक्ट जिसके जो डिसिप्लिन्स होते हैं, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इसका भी आर्थिक उत्पादन से सीधा सीधा संबंध होता है। मसलन कोई अगर MBA कर रहा है या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिसिन के प्रोफेशन में है, तो एक सहज बोध हम सब के मन में होता है कि आगे जाकर निश्चित रूप से यह अगर वह नौकरी पेशा व्यक्ति बनने वाला है तो ज़्यादा पैसा कमाने वाला होगा। वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य विषय हैं ऐसे जिसको पढ़ करके लोग मानते हैं कि इसमें कुछ खास आर्थिक उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए शिक्षा के माध्यम से यह वर्गीकरण भी कहीं ना कहीं हो जाता है और समाज की आर्थिक स्थिति या समाज के जो आर्थिक लक्ष्य होते हैं वो कहीं ना कहीं समाज में शिक्षा की रूपरेखा को भी प्रभावित कर रहे होते हैं। कार्ल मार्क्स को अगर हम थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा समझें, तो उनके विचारों में एक प्रमुख विचार यह था कि समाज में सत्ता व प्रभुत्व पाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अर्थव्यवस्था एक बुनियादी ढांचे के रूप में होती है और समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के नियंत्रण को शिक्षा लेजिटिमाइज करती है, वैध साबित करती है, और उस वैधता को स्थापित करने में शिक्षा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम पाते हैं कि समाज की जो आर्थिक दशा दिशा होती है वह भी उस समाज के विद्यालयों के माध्यम से जो शिक्षा की प्रक्रिया चल रही होती है उन विद्यालयों को भी प्रभावित करती है समाज की आर्थिक दशा दिशा। हम यह देखें कि समाज में जो विद्यालय हैं, समाज की राजनीतिक स्थिति एवं उसका प्रभाव विद्यालयों को कैसे प्रभावित करता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी समाज के शासक वर्ग जो होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनकी जो नीतियाँ होती है, उनके विचारों की जो प्रकृति होती है, उसका समाज के शिक्षा पद्धति के स्वरूप पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। पहले भी हमने थोड़ी सी चर्चा की है, लोकतांत्रिक जो सरकारें होती है वह शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों के हस्तांतरण का दावा तो करती है, परंतु देखा यह जाता है कि अक्सर वे अपनी शैक्षिक नीतियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक विचारधारा का पोषण करते हैं वो लोग जो शिक्षा की प्रक्रिया पर सीधे सीधे प्रभाव डालने वाले होते हैं। वह अपनी विचारधारा का प्रसार करते हैं, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, और जो परिणाम देखा गया है कालांतर में कि ऐसी अधिकांश लोकतांत्रिक सरकारें लोकतांत्रिक मूल्यों, खास करके अवसर की समानता आदि की बात जब करें तो उसके संरक्षण में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाए हैं। अगर सफल हो जाते तो अभी भी हम उन समस्याओं की चर्चा नहीं कर रहे होते। यह तो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, अमेरिका की पूंजीवादी सरकार जो है वह भी कहीं ना कहीं इस मामले में प्रभावित करती है शिक्षा की प्रक्रिया को। समाजवादी सरकारें जो हुई, समाजवादी कम्युनिस्ट साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित जो सरकारें हुई, खास करके USSR जो काला कभी था अतीत में, जो पूरी तरह विखंडित हो गया, या जर्मनी के शासक वर्ग थे जिन्होंने कि सामाजिक साम्यता समानता की बात की थी, वह भी अपने विशिष्ट विचारधारा का ही पोषण करती रही ऐसी सरकारें, और कुछ विशेष नहीं कर पाई। और अगर ऐसा कुछ कर पाती तो कदाचित अभी USSR अपने अस्तित्व में होता, अभी जर्मनी का वह जो पुरानी सत्ता व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, उसका अस्तित्व होता। परंतु यह देखा गया है कि किसी भी विचारधारा से प्रभावित सरकारें कहीं ना कहीं जब सिद्धांत और व्यवहार में घालमेल करते हैं, विद्यालयों को, विद्यालयों द्वारा चलने वाली शैक्षिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, तो निश्चित रूप से उद्देश्य की प्राप्ति हो नहीं पाती है। परंतु बहरहाल हमारी चर्चा का यह विषय है कि समाज की जो राजनीतिक स्थिति होती है, दशा दिशा होती है, उसका प्रभाव विद्यालयों पर निश्चित रूप से पड़ता है। हम यह देखें कि विद्यालय करते क्या है समाज के अंग के रूप में, तो हम पाते हैं कि समाज में हजारों लाखों वर्ष से कह लें, या जब से हम संगठित समाज को इतिहास के रूप में हमने संरक्षित किया है, तब से अगर देखें तो विशाल सामाजिक तथा सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण व हस्तांतरण विद्यालयों के माध्यम से किया जाता है।
समाज में कई संस्थाएं होती हैं, समाज के कई एजेंसीज होती हैं, घटक होते हैं, और विद्यालय के संचालन में उन घटकों का अपना अपना एक रोल होता है, उनकी भूमिका होती है। तो समाज के अंग के रूप में विद्यालय की जब स्थापना होती है तो विद्यालय के संचालन में समाज व विद्यालय के विभिन्न साधनों के मध्य सहयोग की स्थापना की जाती है, तभी विद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुचारू रूप से कर सकते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन सही रूप से हो सकता है। हमने पहले भी चर्चा की कि समाज के आदर्शों और विचारों का प्रसार विद्यालयों के माध्यम से होता है। हमने पहले इस पाठ के प्रारंभ में भी उदाहरण के स्वरूप में मदरसा की शिक्षा, संस्कृत विद्यालयों की, गुरुकुल विद्यालयों की शिक्षा या कुछ आंग्ल मिशन स्कूल्स की शिक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। हम देखते हैं कि इन सभी विद्यालयों को चलाने वाले जो लोग होते हैं या जो एक बृहद सामाजिक संरचना होती है, उन सामाजिक विचारों का प्रभाव उन विद्यालयों की कार्यप्रणाली पर पड़ता है। और विद्यालयों की कार्यप्रणाली की जब हम बात करते हैं तो उसमें उस विद्यालय के मॉर्निंग असेंबली से प्रातःकालीन सभा, प्रातःकालीन प्रार्थना की पद्धति से लेकर के पूरे संचालन की प्रक्रिया के स्वरूप की बात हम करते हैं, उन विद्यालयों के जो संस्थापक होते हैं या जो प्रबंधक होते हैं, वे जिन विचारों से प्रभावित होते हैं उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य विद्यालय भी करते रहते हैं। और अच्छे रूप में अगर हम देखें तो विद्यालय सामाजिक जीवन को भी प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक जीवन, जिस समाज में जो विद्यालय है उस समाज की एक शैली है, आचार विचार है, जीवन जीने के तौर तरीके हैं, तो उसको भी विद्यालय के माध्यम से जो हमारी भावी पीढ़ी है उनमें उन गुणों को स्थापित किया जाता है, विकसित किया जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक जीवन के प्रोत्साहन में भी विद्यालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय के उद्देश्य समाज की जरूरतों के अनुसार तय किए जाते हैं। विद्यालयीन प्रक्रिया के विभिन्न अंग निरंतर समाज के स्वरूप से प्रभावित होते रहते हैं। विद्यालय की प्रक्रिया में, शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए जितने भी संसाधन होते हैं वे समाज से ही आते हैं। विद्यालयीन प्रक्रिया के तीनों अंग, शिक्षार्थी, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम, समाज के ही अंग होते हैं। विद्यालय की आवश्यक सामग्री का निर्माण, शिक्षण पद्धतियां समाज के स्वरूप पर ही निर्भर होते हैं। और समाज में जो परिवर्तन होते हैं, समाज की जो बदलती आवश्यकताएं होती है, उसी के अनुसार विद्यालय के स्वरूपों में भी परिवर्तन होता है। पाठ्यक्रम में बदलाव होते हैं, पाठ्य पुस्तकें बदली जाती है, नई बातें आती है, नए विचार आते हैं, नई विचारधारा आती है, उन सब का समावेश विद्यालय के माध्यम से किया जाता है और विद्यालय के स्वरूप में, विद्यालय की प्रक्रिया में उन परिवर्तनों को समुचित स्थान दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि विद्यालयीन प्रक्रिया जहाँ एक ओर वर्तमान स्थितियों से तथा भावी स्वरूप से प्रभावित होती या बदलती है, वहीं उस समाज की संस्कृति से भी नियंत्रित भी होती रहती है। अभी तक की इस चर्चा में अगर हम इसको एक जगह समेकित करें, उसको हम सार के रूप में रखें, तो विद्यालय और समाज के सम्मिलित उद्देश्य के रूप में हम यह पाते हैं कि विद्यालय का और समाज का, दोनों का उद्देश्य होता है कि शिक्षक, छात्र एवं समाज के सदस्यों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना। समाज में शिक्षक एवं छात्र की स्थिति क्या है उसको निर्धारित करना। सामाजिक आवश्यकताओं एवं समस्याओं का निराकरण करना और विभिन्न सामाजिक इकाइयों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना, ये सारे समाज और विद्यालय के उद्देश्य होते हैं। और समाज के अभिन्न अंग के रूप में विद्यालय निरंतर सतत उन उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु सदैव तत्पर रहता है। धन्यवाद।